बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी शेसी में मटका बिरयानी के साथ आयशा अतहर हाजिर है। बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि इस बिरयानी के चिकन को आपने बिल्कुल ऐसे ही कट लगाने हैं जैसे बारबेक्यू के चिकन को कट लगाते हैं। और 1.5 किलो चिकन है, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 1 पाव टमाटर है, टमाटरों का छिलका मैंने उतार लिया, आलू बुखारे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबलस्पून, हरी मिर्चें हैं और ये बिरयानी मसाला है जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया, गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री 1/4 चम्मच है जायफल जावित्री का, और ये एहतियात से डालनी है वरना मसाला कड़वा हो जाता है। कुछ हरी मिर्चें चिकन में डालनी है और कुछ दम के वक्त में, 1 पाव दही है और 1 प्याली भर के पुदीने की है। ऑयल गर्म होगा तो उसमें प्याज फ्राई कर लेने हैं। इस बिरयानी की 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। पहला, बिरयानी के चिकन को बारबेक्यू की तरह कट्स लगाने हैं, और दूसरा, जब बिरयानी का चिकन तैयार हो जाएगा तो आपने उसे पूरी रात के लिए रख देना है फ्रिज में। मैरिनेट किए हुए चिकन की बिरयानी का मज़ा ही और है, और ख़ास तौर पे जब उसको दम लगाना है मटके में। तो आज ये बिरयानी खाएंगे तो हमेशा यही बनाएंगे। तेज़पात डाल देने हैं, साबुत गरम मसाला है जिसमें मोटी इलायची, चंद काली मिर्चें हैं, बादियान का फूल है, दालचीनी है, लौंग है। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, ये हल्का सॉफ्ट हो गया है, और इसमें चिकन डाल देना है। चिकन के थाई पीसेस पे आप देख लें थोड़ा फैट लगा हुआ है, उस फैट से एक तो चिकन में फ्लेवर आता है और बिरयानी का चिकन जूसी रहता है, तो कुछ चिकन के पीसेस पे आप उसका फैट रहने दें। आधी हरी मिर्ची अभी डालनी है और आधी दम के वक्त डालनी है। ये 6 के करीब हरी मिर्चें थी जिसको मैंने 2-2 टुकड़ों में काट लिया था। 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक ख़ास बात और कि जब बिरयानी मसाला चिकन में डालना है तो वो सारा नहीं डालना, आधा डालना है, बाकी आधा मसाला बचा लेना है और वो डालना है दम के वक्त। ये आधा मसाला मैं ऐड कर रही हूँ और आधा मसाला मैं बचा लूँगी, ये मैंने दम के वक्त डालना है। आलू बुखारे मैंने मसाले के अंदर ही मिक्स कर लिए थे। चिकन को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देना है और ये दही के पानी में ही गलेगा, इसे एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात यहाँ और वाजिया कर दूं कि कच्चे चिकन को मैरिनेट नहीं करना, बिरयानी का पूरा चिकन गला के ठंडा करके फ्रिज में लगा देना है, यानी बिरयानी के चिकन का सालन तैयार कर लेना है और फिर वो पूरी रात पड़ा रहेगा और अगले दिन आपने बिरयानी को दम लगाना है। यानी जिस दिन आपका बिरयानी खाने का मूड हो उससे 1 दिन पहले आपने इस चिकन को रेडी करके रख देना है। उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, नमक भी डाल दिया, और नमक डालने से चावल खिले खिले रहेंगे। ये है जनाब हमारा मटका। इसमें मैंने ऑयल डाल लिया और ऑयल से इसको सारा ग्रीस करके जो बाकी का एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो मैंने निकाल लिया था। कोयले दहका लिए और जिस वक्त मैं मटके में बिरयानी को दम लगाऊंगी एल्युमिनियम फॉइल से उसे कवर करके ये कोयले उसके ऊपर रख देने हैं। ये देखिए चिकन की फाइनल लुक, और इसके कट्स देख लें आप। नॉनस्टिक तवे के ऊपर मैंने पॉट को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी, चावलों के ऊपर चिकन की तह लगा दूंगी, उस चिकन की तह के ऊपर स्लाइस्ड टमाटर जाएंगे, कुछ लीमू जाएंगे, पुदीना जाएगा,
हरी मिर्च जाएगी और ये सब चीज़ें चावलों की दरमियान वाली तह में जाएंगी, ऊपर नहीं लगानी। मसाला देख लीजिए आप कितना गाढ़ा है, टमाटर, हरी मिर्चें, लीमू। एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं कि 1 किलो चावल इस साइज के मटके में नहीं आएंगे। मैंने बाकी चावलों को नॉनस्टिक पैन में दम लगाया था और ये अब मैं इसका दम खोलूंगी और आप जरा चावलों की लुक देखिएगा। और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, बिरयानी के दम का ढक्कन पूरा नहीं खोलना, वरना जितनी शानदार खुशबू आ रही है वो दूर दूर तक जाएगी और फिर महबूब बीवी बच्चों समेत आ जाए तो गिला नहीं करना जी। ज्यादा वाली मजेदार मटका बिरयानी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि देसी शेसी है आपका अपना चैनल। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी शानदार बिरयानी बने और आपको टेस्ट ना करवाएं? तो बिरयानी का पहला चम्मच आप सबके लिए। आयशा अथर को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।